प्रिय बच्चों बच्चों, इस मंथ यानी सितंबर में आपका हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाला है। सभी क्लास के बच्चों का हाफ ईयरली मिड टर्म एग्जाम शुरू होने वाला है और मेरे तरफ से आपके खूब बड़े एग्जाम की हार्दिक शुभकामना। आपका सभी एग्जाम खूब बढ़िया हो, यही मेरी शुभकामना है। बच्चों, अभी हमने मैं वर्ल्ड का मैप रखा, स्पेशली क्लास एट के बच्चों के लिए मैं यहाँ वर्ल्ड का मैप रखा हूँ। बच्चों, आपको सोशल साइंस के सब्जेक्ट में जो ज्योग्राफी का पोर्शन है, चैप्टर नंबर 2, डीवी के जितने बच्चे हैं, डीवी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो सोशल साइंस से पढ़ते हैं, उनके चैप्टर 2 है ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी के पोर्शन में वाटर रिसोर्स जो टॉपिक है चैप्टर 2 में, उससे रिलेटेड यह वर्ल्ड मैप मैं रखा हूँ आपको लोकेट करने के लिए मैप आएगा। आप जानते हो कि हमेशा 2-3 मार्स का मैप आता है, कम से कम 3 मार्स जरूर रहेगा। तो देखिए, मैं आपके सामने यह वर्ल्ड मैप में आपको क्या लोकेट करना है आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले है आसवान डैम। तो आसवान डैम आपको लोकेट करना है, यह हो गया आसवान डैम। पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे कौन कौन कॉन्टिनेंट है। यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवा ऑस्ट्रेलिया है। तो दे आर द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब बच्चे, यहाँ पर आपको जो लोकेट करना है, एक्सरसाइज में दिया हुआ है आसवान डैम। आसवान डैम देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह अफ्रीका का यह इजिप्ट कंट्री है, नॉर्दर्न अफ्रीका में इजिप्ट, जिसका ओल्ड नेम क्या है, मिस्र, उसको मिस्र के नाम से जाना जाता है। तो और आपको ये भी पता होना चाहिए होगा कि रिवर नाइल वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है। तो रिवर नाइल पर यहाँ पर आसवान डैम है। ये रिवर नाइल जो ऐसी रिवर है, और रिवर नाइल सबसे लंबी नदी है वर्ल्ड की, यहीं पर आसवान डैम। याद रखिएगा बच्चों, आपको लोकेट करना है इजिप्ट में, अफ्रीका के इजिप्ट कंट्री में आसवान डैम रिवर नाइल को लोकेट करना है। यह हो गया आसवान डैम। दूसरा आपको लोकेट करना है, आज पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हूवर डैम। हूवर डैम कहाँ है, ऊबर डैम है, देखिए यह नॉर्थ अमेरिका का यूएसए है। यूएसए में एक रिवर है कोलोरेडो रिवर। तो कोलोरेडो रिवर है यहाँ पर, तो यह यूएसए के वेस्टर्न साइड में यहीं पर है ऊबर डैम। ऊबर डैम किस रिवर पर है, कोलोरेडो रिवर पर, किस कंट्री में, यूएसए में, यहाँ पर है ऊबर डैम। यह हो गया ऊबर डैम एंड आसवान डैम। आसवान डैम इजिप्ट में है रिवर नाइल पर। अब यहाँ पर आइए इंडिया में, आपको इंडिया में 2 प्रोजेक्ट है, 2 डैम दिखाना है। पहला है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है झारखंड में। दामोदर वैली प्रोजेक्ट से वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों स्टेट को लाभ मिलता है। तो यहीं पर है झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर एरिया पर, यहीं पर है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पर 2 डैम है, मैथन डैम और पंचेत डैम, लेकिन आपको लोकेट करना है दामोदर वैली प्रोजेक्ट झारखंड में, यहाँ झारखंड और वेस्ट बंगाल के सीमावर्ती एरिया में। ठीक, चौथा आपके बुक में क्या दिया हुआ है लोकेट करने के लिए, हीराकुड डैम। तो हीराकुड डैम यहाँ पर झारखंड के ठीक नीचे यानी साउथ में, यही पर ओडिशा स्टेट है। तो भारत के ओडिशा स्टेट में यहाँ पर सबसे लंबी, सबसे प्रमुख नदी कौन है उड़ीसा में, महानदी रिवर। तो महानदी रिवर पर कौन सा डैम है, हीराकुड, यही पर हीराकुड डैम है, ऑन द रिवर महानदी। यह हो गया हीराकुड डैम, नीचे आप देख रहे हो हीराकुड डैम है, यहाँ पर दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, आसवान डैम और हूवर डैम। ठीक है बच्चे, तो वर्ल्ड मैप में आपको ये लोकेट करना है। अब मैं आपको इंडिया का मैप में दिखाऊंगा कि इंडिया का मैप में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैप है जो क्लास 8 और 10 के स्टूडेंट के लिए है। थैंक यू वेरी मच।